जापान के संगठन निहोन हिंदाक्यू को इस साल का शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। उन्हें यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बचे थे। इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। ये हिबाकुशा दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को निहोन हिंदाक्यू संगठन के जरिए साझा करते हैं। निहोन हिंदाक्यू संगठन की स्थापना 1956 में परमाणु और हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। अमेरिका ने 1954 में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। विरोध में 1955 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी। संगठन ने हिबाकुशा पीड़ित लोगों के समूहों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा, जिससे दुनिया के लोगों को परमाणु हथियारों से होने वाले भयानक नुकसान और मानव पीड़ा को समझने में आसानी हो। संगठन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दुनिया में कहीं भी और हिबाकुशा न बनाए जाएं और दुनिया परमाणु हथियारों से मुक्त बन सके। 2023 में ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं की आज़ादी और उनके अधिकार के लिए लड़ाई के लिए दिया गया था।